वेलकम टू न्यूज टेक चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं दुनिया भर में हफ्ते की 10 सारे फहरिस्त खबरें। खबर, ब्राज़ील की हुकूमत ने एप्पल कंपनी को बगैर चार्जर के आईफोन फरोख्त करने से रोक दिया। हमारी दूसरी खबर, भारत में खुश्क साली के बाद पुरानी मस्जिद पानी के अंदर से निकल आई। तीसरी खबर, पाकिस्तान रुपए मुसलसल छठे दिन अमरीकी डॉलर्स के मुकाबले 226 रुपए तक गिर गया है। हमारी चौथी खबर, मलका एलिजाबेथ दोम बरतानिया की सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाली बादशाह, 70 साल तक हुकूमत करने के बाद 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। अगली खबर, रूस ने शुमाली कोरिया से लाखों रॉकेट और तोपखाने खरीदे, अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है। इसराइल का कहना है कि शीरी अबू अकीले की इसराइली फौज की फायरिंग से हलाकत का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगली खबर, चीन में गिरीदार मेवे की कटाई के दौरान खोने के बाद एक शख्स हॉट एयर बलून में 200 मील का सफ़र करने से बच गया। चीन के जनूबी मगरब सूबे सिचुआन में 6.8 शिद्दत के जल्जले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 82 हो गई है, सरकारी मीडिया ने जुमेरात को रिपोर्ट किया। और आखिर में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की मदद करें क्योंकि बैन अक्वामी दारे की मदद समंदर में एक कतरे के बराबर है जो कि तामीर नौ के लिए दरकार है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।